शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं फरमाता कि कोई किसी को आलानिया बुरा कहे मगर वो जो मजलूम हो, और अल्लाह सब कुछ सुनता है जानता है। अगर तुम लोग भलाई खुल्लम खुल्ला करोगे या छुपाकर या बुराई से दरगुजर करोगे तो अल्लाह भी मुआफ करने वाला है, साहिब कुदरत है। जो लोग अल्लाह से और उसके पैगंबरों से कुफ्र करते हैं और अल्लाह और उसके पैगंबरों में फर्क करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम बास को मानते हैं और बास को नहीं मानते, और ईमान और कुफ्र के बीच में एक राह निकालनी चाहते हैं, वो यकीनन काफिर हैं, और काफिरों के लिए हमने जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए और उनमें से किसी में फर्क न किया यानी सबको माना, ऐसे लोगों को वो अनकरीब उनकी नेकियों के सिले अता फरमाएगा, और अल्लाह बख्शने वाला है बड़ा मेहरबान है। ऐ पैगंबर, अहले किताब तुमसे दरखास्त करते हैं कि तुम उन पर एक लिखी हुई किताब आसमान से उतार लाओ, तो ये मूसा से तो इससे भी बड़ी बड़ी दरखास्तें कर चुके हैं। उनसे कहते थे हमें अल्लाह को जाहिर यानी आमने सामने दिखा दो, सो उनके गुनाह की वजह से उनको बिजली ने आ पकड़ा, फिर खुली निशानियां आ जाने के बाद बछड़े को माबूद बना बैठे, तो उससे भी हमने दरगुजर की, और मूसा को हमने खुली सनद दी थी, और उनसे अहद लेने को हमने उन पर कोहे तूर उठा खड़ा किया और उन्हें हुक्म दिया कि शहर के दरवाजे में दाखिल होना तो सजदा करते हुए दाखिल होना, और यह भी हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने में तजावुज यानी हुक्म के खिलाफ न करना। गरज हमने उनसे मजबूत अहद लिया, लेकिन उन्होंने अहद को तोड़ डाला, तो उनके अहद तोड़ देने और अल्लाह की आयतों से कुफ्र करने और अंबिया को नाहक मार डालने और ये कहने के सबब कि हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, अल्लाह ने उनको मर्दूद कर दिया, और उनके दिलों पर पर्दे नहीं हैं बल्कि उनके कुफ्र के सबब अल्लाह ने उन पर मोहर कर दी है, तो ये कम ही ईमान लाती हैं। और उनके कुफ्र के सबब और मरियम पर एक बहतान अजीम बांधने के सबब और ये कहने के सबब कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह को जो अल्लाह के पैगंबर कहलाते थे कत्ल कर दिया है, अल्लाह ने उनको मलून कर दिया, हालांकि उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया और न उन्हें सूली पर चढ़ा पाए, लेकिन उन लोगों को उनकी सी सूरत मालूम हुई। और जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ करते हैं वो उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं और गुमान पर चलने के सिवा उनको इसका मुतलक इल्म नहीं, और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह गालिब है हिकमत वाला है। और अहले किताब में से कोई नहीं होगा मगर उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा और वो कयामत के दिन उन पर गवाह होंगे। बस हमने यहूदियों के जुल्मों के सबब बहुत सी पाकीजा चीजें जो उनको हलाल थी उन पर हराम कर दी, और इस सबब से भी कि वो अक्सर अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे, और इस सबब से भी कि बावजूद मना किए जाने के सूद लेते थे, और इस सबब से भी कि लोगों का माल नाहक खाते थे, और उनमें से जो काफिर हैं उनके लिए हमने दर्द देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। लेकिन जो लोग उनमें से इल्म में पक्के हैं और जो मोमिन हैं, वो इस किताब पर जो तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई सब पर ईमान रखते हैं और नमाज पढ़ते हैं और जकात देते हैं और अल्लाह और रोजे आखिर को मानते हैं, तो उनको हम अनकरीब अजर अजीम देंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उनके बाद वाले पैगंबरों की तरफ भेजी थी, और इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ भी हमने वही भेजी थी, और दाऊद को हमने जबूर भी इनायत की थी, और बहुत से पैगंबर हैं कि जिनके हालात हम तुमसे पेशतर बयान कर चुके हैं, और बहुत से पैगंबर हैं जिनके हालात हमने तुमसे बयान नहीं किए, और मूसा से तो अल्लाह ने खुद कलाम फरमाया। सब पैगंबरों को अल्लाह ने खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले बनाकर भेजा था ताकि पैगंबरों के आने के बाद लोगों को अल्लाह के खिलाफ कोई हुज्जत ना मिले, और अल्लाह गालिब है हिकमत वाला है। लेकिन अल्लाह ने जो किताब तुम पर नाजिल की है उसकी निस्बत अल्लाह गवाही देता है कि उसने अपने इल्म से नाजिल की है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और गवाह तो अल्लाह ही काफी है।
जिन लोगों ने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका, वो रास्ते से भटक कर दूर जा पड़े। जो लोग काफिर हुए और जुल्म करते रहे, अल्लाह उनको बख्शने वाला नहीं और न उन्हें रास्ता ही दिखाएगा, हाँ सिवाय दोजख के रास्ते के, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये बात अल्लाह को आसान है। लोगों, ये पैगंबर तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक बात लेकर आए हैं, तो इन पर ईमान लाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। और अगर कुफ्र करोगे तो जान रखो कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। ऐ अहले किताब, अपने दीन की बात में हद से न बढ़ो और अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ न कहो। मसीह यानी मरियम के बेटे ईसा बस अल्लाह के रसूल ही थे, और उसका खास हुक्म थे जो उसने मरियम की तरफ भेजा था, और उसकी तरफ से एक रूह थे। तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और ये ना कहो कि खुदा तीन है। इस एतकाद से बाज आओ कि ऐसा करना तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ही माबूद वाहिद है और इससे पाक है कि उसके औलाद हो। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, और अल्लाह ही कारसाज काफी है। मसीह इस बात से आर नहीं रखते कि अल्लाह के बंदे हों, और न मुकर्रब फरिश्ते आर रखते हैं। और जो शख्स अल्लाह का बंदा होने को मूजिब आर समझे और सरकशी करे, तो अल्लाह सब लोगों को अपने पास जमा कर लेगा। अब जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, वो उनको उनका पूरा पूरा बदला देगा और अपने फजल से कुछ ज्यादा भी इनायत करेगा। और जिन्होंने बंदा होने से आर और इनकार और तकब्बुर किया, तो उनको वो तकलीफ देने वाला अजाब देगा। और वो अल्लाह के सिवा अपना कोई हामी और कोई मददगार न पाएंगे। लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक बड़ी दलील आ चुकी है, और हमने कुफ्र और जलालत का अंधेरा दूर करने को तुम्हारी तरफ राह रोशन करने वाला नूर भेज दिया है। बस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उसके दीन की रस्सी को मजबूत पकड़े रहे, उनको वो अपनी रहमत और फजल की बहिश्तों में दाखिल करेगा और अपनी तरफ पहुंचने का सीधा रास्ता दिखाएगा। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे कलाला के बारे में हुक्म दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि अल्लाह कलाला के बारे में ये हुक्म देता है कि अगर कोई ऐसा मर्द मर जाए जिसके औलाद न हो और न मां बाप, और उसकी एक बहन हो, तो उसको भाई के तरके में से आधा हिस्सा मिलेगा। और अगर बहन मर जाए और उसके औलाद न हो, तो उसके तमाम माल का वारिस भाई होगा। और अगर मरने वाले भाई की दो बहनें हों, तो दोनों को भाई के तरके में से दो तिहाई। और अगर भाई और बहन यानी मर्द और औरतें मिले जुले वारिस हों, तो मर्द का हिस्सा दो औरतों के हिस्से के बराबर है। ये अहकाम अल्लाह तुमसे इसलिए बयान फरमाता है कि भटकते ना फिरो, और अल्लाह हर चीज से खूब वाकिफ है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ ईमान वालों, अपने वादों को पूरा करो। तुम्हारे लिए चरने वाले मवेशी हलाल कर दिए गए हैं, बजुज उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं, मगर हालत एहराम में शिकार को हलाल न जानना। अल्लाह जैसा चाहता है हुक्म देता है। मोमिनों, अल्लाह के नाम की चीजों की बेहुरमती न करना, और न अदब के महीने की, और न कुर्बानी के जानवरों की, और न उन जानवरों की जो अल्लाह की नजर कर दिए गए हों कि जिनके गलों में पट्टे पड़े हों, और न उन लोगों की जो हुर्मत वाले घर यानी बैतुल्लाह को जा रहे हों, अपने परवरदिगार के फजल और उसकी खुशनूदी के तलबगार बने हुए। और जब एहराम उतार दो, तो फिर इख्तियार है कि शिकार करो। और कुछ लोगों की दुश्मनी इस वजह से कि उन्होंने तुमको मस्जिद हराम से रोका था, तुम्हें इस बात पर आमादा न कर दे कि तुम ज्यादती करने लगो। और देखो, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, और गुनाह और जुल्म की बातों में किसी के साथ तआवुन न करो, और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह का अजाब सख्त है। तुम पर मरा हुआ जानवर और बहता लहू और सुअर का गोश्त, और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, और जो जानवर गला घुटकर मर जाए, और जो चोट लगकर मर जाए, और जो गिरकर मर जाए, और जो सींग लगकर मर जाए, ये सब हराम है। और वो जानवर भी जिसको दरिंदे फाड़ खाएं, मगर जिसको तुम मरने से पहले ज़बह कर लो। और वो जानवर भी जो गैरुल्लाह के आस्ताने पर ज़बह किया जाए, और ये भी कि पासों से किस्मत मालूम करो, ये सब गुनाह के काम है।
आज काफिर तुम्हारे दीन से नाउम्मीद हो गए हैं तो उनसे मत डरो और मुझी से डरते रहो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया है और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। हाँ, जो शख्स भूख में नाचार हो जाए बशर्ते के गुनाह की तरफ मायल न हो, तो अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। ऐ नबी, तुमसे पूछते हैं कि कौन कौन सी चीजें उनके लिए हलाल हैं। उनसे कह दो कि सब पाकीजा चीजें तुमको हलाल हैं और वो शिकार भी हलाल है जो तुम्हारे लिए उन शिकारी जानवरों ने पकड़ा हो जिनको तुमने सधा रखा हो, और जिस तरीक से अल्लाह ने तुम्हें शिकार करना सिखाया है उस तरीक से तुमने उनको सिखाया हो, तो जो शिकार वो तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसको खा लिया करो और शिकारी जानवरों के छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम ले लिया करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। आज तुम्हारे लिए सब पाकीजा चीजें हलाल कर दी गईं और अहले किताब का खाना भी तुमको हलाल है और तुम्हारा खाना उनको हलाल है, और पाक दामन मोमिन औरतें और पाक दामन अहले किताब औरतें भी हलाल हैं, जबकि उनका मेहर उन्हें दे दो, और निकाह से इफ्फत कायम रखनी मकसूद हो, न कि खुली बदकारी करनी और न छुपी दोस्ती करनी। और जो शख्स ईमान का मुनकिर हुआ उसके अमल जाया हो गए और वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। मोमिनों, जब तुम नमाज पढ़ने का कस्त किया करो तो अपने मुंह और कोहनियों तक हाथ धो लिया करो और सर का मसाह कर लिया करो और टखनों तक पांव धो लिया करो, और अगर जनाबत की हालत में हो तो नहाकर पाक हो जाया करो, और अगर बीमार हो या सफर में हो या कोई तुम में से बैतुल खला से होकर आया हो या तुमने औरतों से मुकारबत की हो फिर तुम्हें पानी न मिल सके तो पाक मिट्टी लो और उससे मुंह और हाथों का मसा यानी तयम्मुम कर लो। अल्लाह तुम पर किसी तरह की तंगी नहीं करना चाहता, बल्कि ये चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमतें तुम पर पूरी करे ताकि तुम शुक्र करो, और अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किए हैं उनको याद रखो और उसके अहद को भी जिसका तुमसे कौल लिया था, यानी जब तुमने कहा था कि हमने अल्लाह का हुक्म सुन लिया और कबूल किया, और अल्लाह से डरो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह दिलों की बातों तक से वाकिफ है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो, और कुछ लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा ना कर दे कि इंसाफ ही ना करो। इंसाफ किया करो कि यही परहेजगारी की बात है, और अल्लाह से डरते रहो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनसे अल्लाह ने वादा फरमाया है कि उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है, और जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो जहन्नमी है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किया है उसको याद करो। जब कुछ लोगों ने इरादा किया कि तुम पर दस्त दराजी करें तो उसने उनके हाथ तुमसे रोक दिए, और अल्लाह से डरते रहो, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। और अल्लाह ने बनी इसराइल से इकरार लिया था और उनमें हमने 12 सरदार मुकर्रर किए थे, और अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर तुम नमाज पढ़ते और जकात देते रहोगे और मेरे पैगंबरों पर ईमान रखोगे और उनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह को कर्ज हसन दोगे तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा और तुमको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, फिर जिसने उसके बाद तुम में से कुफ्र किया तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। बस उन लोगों के अहद तोड़ देने के सबब हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को सख्त कर दिया। ये लोग कलिमात किताब को अपने मकामात से बदल देते हैं और जिन बातों की इनको नसीहत की गई थी उनका भी एक हिस्सा फरामोश कर बैठे, और थोड़े आदमियों के सिवा हमेशा तुम इनकी एक न एक खयानत की खबर पाते रहते हो। सो इन्हें मुआफ रखो और इनसे दरगुजर करो। अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। और जो लोग कहते हैं कि हम नसारा हैं, हमने उनसे भी अहद लिया था मगर उन्होंने भी उस नसीहत का जो उनको की गई थी एक हिस्सा फरामोश कर दिया, तो हमने उनमें कयामत तक के लिए दुश्मनी और कीना डाल दिया, और जो कुछ वो करते रहे अल्लाह अनकरीब उनको उससे आगाह कर देगा। ऐ अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आखिरुज़्ज़मा आ गए हैं कि जो कुछ तुम किताब इलाही में से छुपाते थे वो उसमें से बहुत कुछ तुम्हें खोल खोल कर बता देती हैं और तुम्हारे बहुत से कसूर मुआफ कर देती हैं। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है।